तो यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं सुबह के लिए आटा मेथी का, क्योंकि सुबह सुबह गूंदना बड़ा मुश्किल होता है गाइस, तो इसलिए अभी रात को ही गूंद के रख दूंगी। तो ये मैंने गूंद लिया है सुबह के लिए मेथी का आटा, और ये गूंद के हो चुका है रेडी। तो अब मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। सो चलिए, आटा भी गूंद चुका है और मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं? वेलकम हो रहा है सुबह सुबह आपका मॉर्निंग से। और फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनके हो चुका है रेडी। मेथी के पराठे बन चुके हैं, साथ में है दही। और किस किस को मेथी के पराठे पसंद है? और हमारे पति देव जी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो अच्छे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है फ्राइडे और टाइम हो चुका है 12:30। तो 12:30 हो चुके हैं और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश। और मैंने हाथ धोया है सर, क्योंकि 4-5 दिनों से सर नहीं धोया था, तो आज फ्राइडे भी था और धोना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आज अपना सर धोया और बाल हो रखे पूरे गीले। और धूप में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ही तेज़ वाली धूप हो रही है, और एकदम ऐसी धूप हो रही है जैसे गर्मियों में धूप निकलती है ना कि चुभ रही है, ऐसे टाइप में धूप निकल रही है। और आज है शिवरात्रि, और ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवरात्रि पे ही जो है वो ठंड जो है वो जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है, एकदम गर्मी वाला मौसम हो रखा है। सो गाइज, आज है फ्राइडे और आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों के आज है व्रत। और गाइज, हमारे भी 2 दिन के बाद जो है वो रोज़े शुरू होने वाले हैं, फास्ट शुरू होने वाले हैं, इनकी रमज़ान शुरू होने वाले हैं। सो होपफुली जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं रमज़ान में रेगुलर दिखाई दूंगी। तो चलिए करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, करते हैं अपना दिन भी स्टार्ट, और मिलते रहते हैं आपको बीच में। सो गाइस, देख लीजिए धूप कितनी तेज हो रही है, एकदम ऐसी धूप हो रही है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, बिल्कुल भी धूप में बैठने का मन नहीं है, एकदम तेज वाली धूप। मौसम कितना चेंज हो गया, होली तक तो लगता फुल गर्मी हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, व्लॉग देख रहा है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट मी, और जल्दी जल्दी से मेरे इस महीने रमजान में जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी करवा दीजिए प्लीज गाइस। यारी, और मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, टाइम हो चुका है 2:45 बज चुके हैं, और नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ ली है, और उसके बाद हो चुके हैं फ्री। तो चलिए करते हैं लंच की तैयारी। और मैं बना रही हूँ लंच में ये लौकी के कोफ्ते, तो कुछ समझ नहीं आता तो सोचा आज कोफ्ते बना लेते हैं। तो ये बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते लंच में, और मैंने ये कद्दूकस कर लिया है लौकी, इसमें डाल दी है प्याज, और चलिए बना लेते हैं फटाफट से। और अभी 2 दिन के बाद जो शेड्यूल जो है वो दोपहर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोजे शुरू हो जाएंगे, रमजान शुरू हो जाएंगे, तो दोपहर का लंच जो है वो और नाश्ता जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब सीधा डायरेक्ट जो है वो शाम को ही खाना बनेगा, रोजे के लिए जो भी तैयारी होगी वो शाम को ही होगी। तो गाइज, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि रमजान शुरू हो रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ में जितना हो सके उतने रमजान के जो भी हैं
दिन है वो शेयर भी करूंगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखना। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और देखिए फिर रमज़ान कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके सो यहाँ पे बहुत ही स्लो आंच पे मैं कोफ्तों को पका रही हूँ कि अंदर से अच्छे से पक जाएंगे ये। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियाँ ही आ गई हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इतना बोरिंग बोरिंग मौसम हो रहा है। गर्मियों में ना दिन जो है ना वो बहुत ही बोरिंग होता है सच में। ये देख लीजिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और गाइस मुझे करनी है ये पौधों की सफाई भी, इसके लिए मैं देखती हूँ आज टाइम मिलता है तो मैं आज करती हूँ। बहुत सारे पौधों की सफाई होने वाली हो रही है और हमारे कोफ्ते भी बनके हो चुके हैं रेडी, आपको दिखा देते हैं और कैसे बने हैं देख लीजिए। तो ये बनके हो चुके हैं रेडी, ये देख लीजिए। और इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, इसमें डाल दिया हमने हरा धनिया। और गाइस मेरा तो लंच बनके हो चुका है रेडी और आप लोगों ने तो लंच कर भी लिया होगा, काफी लोगों ने कर लिया होगा। बहुत लोग जल्दी खाते हैं, काफी जो है लोग देर से भी खाते हैं, तो हम जो है वो देर वाली लिस्ट में आते हैं, तो इसलिए हमारा जो लंच है वो देर से ही बनता है और देर से ही खाया जाता है। तो हमारा बन चुका है लंच और चलिए करते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपको लंच के बाद, तब तक करिए आप भी रेस्ट। और ये देख लीजिए गाइस इनका चल रहा है यहाँ पे लंच और जल्दी जल्दी से कितनी जल्दी जल्दी दाना फिनिश कर रहे हैं लोग। और उसके बाद हो गई थी शाम, लंच करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं आ गई अपनी गैलरी में क्योंकि मुझे करनी थी यहाँ पे क्लीनिंग पौधों की। तो मैंने सोचा चलिए ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही दिनों से पेंडिंग हो रहा था, तो चलिए इसको भी करते हैं स्टार्ट काम को, काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। सो गाइस इसको भी टाइम निकाल के साफ करना पड़ता है, क्या करें ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। मैंने सारा साफ, इतने सारे एक्स्ट्रा पौधे उगाए थे इसको भी मैंने सब क्लीन कर दिया। तो ये कर दिया है मैंने सारी सफाई अपने गमलों की और इतने पौधे सूख गए थे इनको भी सब निकाला है। कल कमरे से सारा बरांडा फिर से बनवाना पड़ेगा। और गाइस ये है शाम का टाइम, टाइम हो रहा है 6 और आजकल तो धूप भी इतनी देर तक रहने लगी है, दिन जो है काफ़ी चेंज हो गया है, बड़े हो गए दिन अब। सो गाइस मैं आज बहुत ही एक अलग सी चीज़ ट्राई कर रही हूँ, वैसे मैंने ये कभी नहीं बनाई है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मैं भी यूट्यूब से देखकर ही बना रही हूँ। सो मैं बना रही हूँ ये बनाना पैनकेक जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं सही बनता है कि नहीं बनता है, और अगर नहीं बना तब भी आपको दिखा देती हूँ और अगर बन गया तब भी आपको दिखाऊंगी, दोनों चीज़ें आपको ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बनता भी है शेयर करना। तो मैंने ये एक मिक्सी जार में ले लिया है बनाना, इसमें डाल दिया है मैंने एक
चम्मच मैदा और साथ में डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी चीनी और ये डाल दिया है मैंने दूध। तो ये सब और एक साथ में डाला है एक अंडा भी। तो ये सब कुछ मैंने डाल के इसको कर लिया है ग्राइंड। बस ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, नॉर्मल ही रखना है। और ये हो चुका है ग्राइंड बहुत ही अच्छे से सब जो भी सब। तो ग्राइंड मैंने कर लिया, चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने तवे पे हल्का सा तेल जो है वो ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर डाल दिया है मैंने ये बैटर। ज़्यादा बड़े जो पैनकेक है वो ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे ही बनाएंगे। और इसको बहुत ही हल्के हाथ से मैंने अच्छे से फैला दिया है और चारों तरफ डाल दिया हल्का सा तेल जो कि अच्छे से ये पक जाए। और बहुत ही स्लो आँच पर इसको पकाना है। तो इस पे डाल दिया हल्का सा तेल चारों तरफ और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काटे हुए थे, बादाम और नारियल का बुरादा, तो वो भी मैंने इस पे अच्छे से डाल दिया। थोड़ा लुक जो है वो अच्छा लगता है। तो इसको बहुत ही स्लो आंच पे आपने पकाना है और नीचे से अच्छे से जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, वैसे बना फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा था और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा वाला आया था। तो ये देख लीजिए बहुत अच्छे से पक चुका है, थोड़ा सा जल गया लेकिन अच्छा बना है, लेकिन फर्स्ट टाइम है बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग भी बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी बनाना पैनकेक की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और बनाइएगा जरूर आपके बच्चों को। So बहुत guys, आप लोगों ने देखा मैंने आज एक नया जो है ये रेसिपी ट्राई की थी बनाना पैनकेक की और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी देखे, इसके बनाना भी सीखा और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो वैसे तो सही बन गया, थोड़ी सी कहीं थोड़ी मिस्टेक रह गई है। और होता है ऐसा जब हम कहीं फर्स्ट टाइम कुछ बनाते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल ठीक भी बनेगा। तो ट्राई करने से तो चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो आज हम ट्राई करेंगे तभी तो बनेगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो बता देना ज़रूर। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग का एंड भी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको रमज़ान के देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, अल्लाह हाफिज़।